प्रातःकाल का सुंदर समय है, सूर्योदय हो रहे हैं। ध्यान की प्रयोग आज सहित आपको 8 दिन मिलेंगे। प्रयास ये करेंगे कि हम ध्यान में अपने गति प्राप्त करते हैं। देखा रिपोर्टरों ने बड़ी महत्वपूर्ण ध्यान कराए हैं, लेकिन मैंने अनुभव किया अपने पुराने लोगों के साथ भी कि वो ध्यान निर्देश सुन लेते हैं, उसी को ध्यान करना मानते हैं। कोच के इंस्ट्रक्शंस आप सुन लें तो उतने से अपना खेल का स्तर तो बदलेगा नहीं। कोच के पास तो बहुत कुछ है, वो थोड़ा ही बताता तो हमारे लिए बहुत होता। उसके एक एक स्टेप का अलग अलग अभ्यास करना पड़ता है। कोई भी खेल ले लीजिए या संगीत ले लीजिए, एक एक स्टेप का क्रमशः अभ्यास करना पड़ता है। दिक्कत ये हो गई कि पिछले दिनों ज्ञान सिर्फ बौद्धिक जानकारी को मान लिया गया, जबकि ज्ञान हमारे यहाँ अंतरंग अनुभूति उसमें शामिल रहती है, तभी उसको ज्ञान कहा जाता है। तो ये ध्यान के जो बिंदु हैं उन पे आप क्रमशः लाएंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। आप में से कई लोग ध्यान करते भी होंगे, ध्यान की बहुत सी धाराएं चल पड़ी हैं और वो कहीं ईमानदारी से प्रयास भी कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जो ध्यान करवाए हैं वो काफी लंबी शोध के बाद दिए हैं, लेकिन उनके एक एक स्टेप को हमें लेके चलना है। गुरुदेव की एक पुस्तक है उपास, छोटी सी पुस्तक उन्होंने अंतिम चरण में ही लिखी थी, अंतिम से पहला वाला कह लीजिए, उपासना के 2 चरण, जप और ध्यान। उपासना माने पास बैठना, किसके पास बैठेगा, कौन बैठेगा। तो होता ये है कि हम चित्र मूर्ति या दीपक प्रतीक के पास शरीर को बिठा देते हैं। तो हमें ध्यान करने के पहले अपनी टोटल पर्सनैलिटी को समझना पड़ेगा, हम क्या है। हम बैठेंगे तो बात बनेगी, हमारा हाथ भी है, हमारी नाक भी है, हमारा कान भी है, हमारा मुंह भी है, पेट भी है, अंदर के हमारे महत्वपूर्ण अंग भी हैं। ये सब जब एक्टिवेट होते हैं तब लगता है कि हम एक्टिवेट हैं। उसे खाली है लेकिन पाचन में कितना कम होगा। तो अगर बहुत ज्यादा हम ना करें तो अभी इसको मान लें कि हम शरीर मन और अंतःकरण इतने तो हैं। ये कहने काया विचारना और भावना ये तो हम हैं ही, तो इनको जब हम उपासना में बैठते हैं तो अगर हम सूर्य के सामने बैठ जाएं तो सूर्य की ऊर्जा का हमें बोध होगा। अग्नि के पास बैठेंगे तो अग्नि की ऊष्मा हमें आएगी। ज्यादा ठंड होती है तो आप अनुभव करते होंगे हाथ जब ठिठुर जाता है तो फिर चलता नहीं है, पैन नहीं उठता, उंगलियां मिलती नहीं है। मैं आपसे कहूं कि मैं खूब देर तक अग्नि का सेवन करके आया हूं लेकिन पैन नहीं उठ रहा है, तो आप उसको सच मानेंगे। अगर हमने अग्नि का सेवन किया है तो ये हमारे जॉइंट्स खुल जाना चाहिए, और अगर अग्नि का प्रभाव हम तक नहीं हुए तो अग्नि की उपासना नहीं, या तो हमने अग्नि के प्रतीक की उपासना की है अग्नि तक हम पहुंचे नहीं, या तो अग्नि और हमारे बीच में एक ऐसा पर्दा था जो हमें उसके प्रकाश का अनुभव तो कर रहा था, जैसे थर्मल ग्लास आ जाते हैं वो हीट को नहीं आने देते। तो कहीं हमारे अंदर पर्दा पड़ा था क्या, यहां से बात बनती। अगर उपासना हुई है, हम ईश्वर के पास बैठे हैं, तो ईश्वर तो हमें आना ही चाहिए।
ईशन शब्द से, ईशन धातु से बना है ईश्वर, ईशन अर्थ शासन से संबंधित होता है। द ग्रेट कंट्रोलर, द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, वो ग्रेट ग्रेट क्रिएटर तो है ही, क्षण मात्र में कहा कुछ नहीं था, उसने इतना सब बना दिया। कितनी वैरायटी के यूनिवर्स हैं, कितनी वैरायटी के प्लैनेट्स हैं, कितनी वैरायटी के हमारे भूभाग हैं, कितनी वैरायटी के प्लांट्स हैं, सब को उसके अपने अनुशासन में वो कंट्रोल किए हुए हैं। अगर हम ईश के पास बैठे तो हम ब्रह्मांड को ना संभाल पाए, देश को ना संभाल पाए, लेकिन अपनी काया के जितने अंग हैं उन पर तो अनुशासन कायम कर सकें। दिस आवर्स, ये तो हमारा ही है, ये तो हमारे सीधे नियंत्रण में और पावर्स दिया गया है। हाँ वाला बात तो ठीक कहते हैं लेकिन मन नहीं मानता। बात ठीक है, मन नहीं, हमारे ही नहीं मानता। अरे भाई तुमने पेट खराब कर लिया था, हम क्या करें, आप ठीक कहते हैं लेकिन जीव के लिए उतरते हैं, हमारा मन भी नहीं मानता, हमारी जीव भी नहीं मानती, और पढ़ाई छोड़ करके टेलीविजन पर चक्कर फेंट जाते, हमारी आँख भी नहीं मानती, और सुना है जैसा सुनोगे वैसा होगा, किसी की अच्छाई सुनने में तो हो जाता है और चुगली सुनने के लिए कान बड़े आराम से पहुंच जाता है, कान भी नहीं मानता। जब हमारे ही अपने अंग नहीं मानते तो हमारी कौन मानेगा, हमारी हैसियत इतनी छोटी है, हम चाहे कुछ कहें अपने आप को, वी आर सो पुअर, वी आर सो वीक, कि हमारे डायरेक्ट पोजेशन में है उसको भी हम नहीं संभाल पाते। ये मनुष्य के लिए बड़ी खराब बात है, मनुष्य के लिए खराब, क्योंकि ईश्वर जीव अविनाशी, हमारे यहां तो एक ईश्वर का ही अंश है। यहां तो पश्चिम में देख रहे हैं अनुभव किया, एवरी इंडिविजुअल हैज हिज पोटेंशियल डिवाइन, पोटेंशियली हम डिवाइन हैं, कुछ दे के भेजा है, लेकिन हमारे तो कहते हैं हम तो ईश्वर के ही अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये कहा गया हमारा। और हम इतने कमजोर होकर के अपने ही आंख कान अपने ही मन के कमजोर, पिटिएबल कंडीशन, दया है ये बेचारे, हम अपने को बड़ा भारी कहते करते हैं। गीता आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, हम देखिए, हमसे अगर कोई कहे ये करो तो हम कन्विंस नहीं होते हैं, तो हमसे बताते हैं तो वो बहुत दिन हमसे कन्विंस कर देता है, फिर हम एक बार कह देते हैं आप कहते तो ठीक है लेकिन मन नहीं मानता, फिर बात खत्म। मन नहीं मानता वो क्या कहे, आपकी बात ठीक है लेकिन हम अपने आप को कन्विंस नहीं करते। यही अर्जुन ने जब कृष्ण से कहा कि मेरा, मैं सब समझ रहा हूं लेकिन मेरा मन गड़बड़ कर रहा है, तो जोर की फटकार लगाई कृष्ण, चेतना का वो अंश लेकर के तुम बैठे हो कि तुम्हारे हुक्म में तो बाहर की तुरंत भी चले, नेचर विद इन अस, नेचर आउटसाइड। मनुष्य के पास चेतना का वो इस तरह के वो संकल्प करके बैठ जाए तो बाहर की प्रकृति भी उसके हिसाब से चलती है, ऋषियों के साथ संतों के साथ में होता है। और तुम अपने को इतना दुरुस्त बना रहे, तुमने बहुत नाराजगी से कहा अर्जुन जैसे योद्धा को, कायरी नपुंसक त्रैव्यम मास गम पार, शर्म नहीं आती, नपुंसक बनता है, यह बनता है इतना सब करके, ये तुझे शोभा नहीं देता अर्जुन के नाते जो या मनुष्य के नाते। फिर कहते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, जिसे हम कहते हैं मन नहीं मानता तो बात खत्म, ये कहते हैं तो बड़ा क्षुद्र है हृदय की दौर्बल्यता, ये आपका उम्मीद डायरेक्ट आपके कंट्रोल में है, कोई और होता तो आप उसको कहते जैसा वो पराया नहीं सुनता, ये तो बहुत छोटी बात है अध्यात्म यहां है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, जिस हृदय की दुर्बलता को कहकर के हम अपने अनिष्ट को आने देते हैं, अपने हित को साधते नहीं है, वो हृदय की दुर्बलता गीताकार के हिसाब से, ऋषि आध्यात्मिक विवेकता के हिसाब से बहुत क्षुद्र
जाता है स्वामी जी कहते हैं, अपने नाम के स्वामी जी रहेगा, लेकिन भाव यही है कि वो अपने अंत प्रकृति का स्वामी बन चुका है। ये है गॉड द कमांड ओवर हिज ओन सेल्फ, इतना तो कम से कम है। इससे कम में क्या सुना, यहां अगर ईश्वर के पास बैठना है तो ईश्वर को आना है, और वो आएगा तो फिर हमारे जीवन में हर क्षेत्र में उतरित होगा। फिर वो आगे जब हम उसके पास बैठते हैं और उसकी एक अनुशासन को अपने ऊपर कायम करने की क्वालिटी पकड़ते हैं तो फिर वो शक्ति देना शुरू कर देता है। दिस इज द राइट पर्सन टू बी गिवन बिकॉज ही इज कैपेबल टू यूज इट, यू विल नॉट अलाउ द मिसयूज ऑफ इट। कोई भी संपन्न से संपन्न माता पिता अपने बच्चे को चीज देते हैं तो बर्बाद करने को नहीं देते, उपयोग करने को देते। तो जैसे ही हम ईश्वर ईश्वर के ईश्वर को अंदर धारण करने लगते हैं और ये लगता है कि ये कंट्रोलिंग की कैपेसिटी में आ गया है तो देना शुरू हो जाता है। वो चाहे पावर्स हो और चाहे हमारी सुविधा की वस्तु, आपने शायद सुना होगा कृष्ण भगवान ने देखा होगा लोगों को रोटी पर मक्खन रखता है कि खूब प्रेम से खा रहे हैं, माँ उन्हें नहीं देती, उन्होंने कहा माँ हमको भी मक्खन दो रोटी पर रख करके हम भी खाएंगे, उन्हें कह देंगे बेटा। अब कृष्ण से कह रहा है यशोदा को कौन, यशोदा के यहाँ मक्खन की क्या करूँ, लेकिन उन्हें अपने ही बेटे को नहीं देती, क्यों क्योंकि ये पछता नहीं पचेगा नहीं। तो कहती बेटा देंगे तो ये कब दोगी माँ, जब तेरी चोटी बड़ी हो जाए, जब तेरी चोटी बड़ी हो जाए, और चोटी खींच के तो बड़ी नहीं की जा सकती, मतलब तू बचा नहीं, बच्चा नहीं समझता, और रोज चोटी देखता है भैया कब बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी तो बड़ी नहीं रही, जब तक चोटी नहीं बढ़ेगी तब मुझे तू रोटी और मक्खन नहीं देगी, जल्दी बढ़ा नहीं सकता। अब मैच्योरिटी तो पचाने की क्षमता तो आते ही आते आती है, और जब तक पचाने की क्षमता नहीं आए माँ के पास सब कुछ होकर भी बच्चे को कैसे ले, अनिष्ट हो जाएगा बच्चे, माँ से ज्यादा प्यारा बच्चा किसको होता है, लेकिन माँ की समझ नहीं होती है तो जल्दी मोटा हो जाए, इसमें खिला खिला करके लीवर खराब कर देती है, तो डॉक्टर कहता है इसको परहेज। भगवान ऐसी भी बेवकूफ माँ नहीं, समझदार माँ है। तो निवेदन ये कहा कि वो फिर देना शुरू करता है वहां से, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। भगवान की पहला ये शर्त है कि तुम्हें जो मिले तुम उसको ठीक से इस्तेमाल करने की हैसियत में आ जाओ, अगर हैसियत बनाना चाहे तो भी हम बना दें, बट यू शुड बी यू शुड एक्सेप्ट इट, यू शुड बी रिसेप्टिव फॉर इट। बड़ा मुश्किल है, यहां भी एक बड़ी भारी बात है, भगवान ने मनुष्य को अपने आप में स्वतंत्र बना दिया, अब उसने चाहे समझदारी की चाहे गलती कर तो गया, और वो ईमानदार है, अगर हमें स्वतंत्र बना दिया तो वो हमारी संस्कृति में हस्तक्षेप नहीं करता। अभी हम यहां रुके हैं, अभी महेश भाई के यहां रुके थे, कमरा उन्हीं का उन्होंने हमें दे दिया, हम कमरा बंद किए हैं तो बाहर से खटखटाते हैं, हम रिस्पॉन्स नहीं करते तो खुला होते हुए भी खोलते नहीं, ये भले आदमी का लक्षण है। चोर आएगा खटखटाएगा और आवाज नहीं मिलेगी तो सैन मार देगा, भगवान सैन मार नहीं है, भला आदमी He knocks you. वो आपको खटखटाता है, when you are receptive, he comes to you. ये भी उसके बगैर जब तक आप receptive नहीं है, भगवान और जगह समर्थ है, लेकिन मनुष्य की स्वतंत्रता में वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, इसलिए अगर ये बात नहीं तो वो यही कहता कि पहले तुम उसके यही है आवाहन स्थापना, उसे कहने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू प्रिपेयर रिवर्स सेल्फ, हम उसको बुला रहे हैं, हमें उसको बुलाना ही पड़ेगा, आई टू फॉर एंड व्हेन ही कम आई टू एक्सेप्ट इट, तत् परिणियम हो तो परिणियम है, तत् ही मही उसको हमें भीतर बिठाना ही है,
अब बात कहकर एक छोटा प्रयोग, फिर मैं क्रमशः आपको उधर भी ले जाने की कोशिश करूंगा कि जो हम नियमित उपासना करते हैं उसमें ध्यान क्यों नहीं जुड़ता, वो मैकेनिकल हो जाए। इसी तरह से जल्दी से शतकर उठिए और जल्दी से जल्दी माला खींचो, जितनी जल्दी जाकर करोगे उसमें है। अभी वो पुस्तक को बांटी जा रही है, गुरुदेव का अमृतवाणी निकलती है, तो तीन सीरीज में निकला था, वो एक ही प्रवचन, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। उसको इकट्ठा करके काफी दिया है, आयोजन पे उसको बहुत मजेदार बना। तुम उपासना करते हो, हमारा शिक्षक है, हमारा मूल्यांकन करता है ना। तमाम तरह के मीटर्स होते हैं, चेकिंग डिवाइसेस होते हैं। भगवान कहते हैं मेरी भगवान, भगवान गुरुदेव कहते हैं मेरी भगवान से बहुत निकटता है। मैंने मन साधक की साधना को परखने के लिए बहुत से मीटर्स भगवान के यहाँ देखे, लेकिन ऐसा मीटर नहीं देखा जिसमें संख्या गिनी जा रही हो। जबकि संख्या गिनी जाती है ऐसा कोई मीटर नहीं देखा, और हम जबकि संख्या को ही सब कुछ मान करके बैठते। लोग कहते हैं कि सारी भावनी वो है, इतनी देर तक इतना जब होने तक आपको भगवान में डूबना है, इसके लिए है समय। फिर हमसे किसी ने कहा, अरे साहब ऐसा कहते तो हमने ये बताओ, परीक्षा आपने दी भी है और परीक्षा नहीं दी है? परीक्षा में कोई नंबर इसका होता है क्या कि इसने कितने क्लासेस अटेंड किए इसको इतने नंबर दे दो, इसने कितनी जगह ट्यूशन पढ़ी इसको इतने नंबर दे दो। पढ़ी है तुम जानो तुम्हारा काम है आंसर, क्वेश्चन को जवाब दो। ये जो बात है तो इसमें क्या होगा, कहीं भ्रम हो जाता है, पहले चरण में लाभ मिलता है। वो तो ठीक है, पहले चरण का लाभ मिला तो फिर पहले चरण के लाभ में भूल करके अगले चरण को भूल जाओ तो गलत कैसे करो। तो मैं वहां भी आपको टच करने की कोशिश करूंगा कि हमारी जो नियमित उपासना है उसका एक एक चरण क्रमशः हमारी ध्यान के साथ जुड़ता है। बिना ध्यान के लिखोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बिना ध्यान के ड्राइविंग करोगे तो एक्सीडेंट होने वाला है। ध्यान तो ऐसी चीज है कि किसी भी बेटर परफॉर्मेंस के यू हैव टू यूज इट, तो वो हमारे उसमें क्यों नहीं मिलता है, इस पर विचार करेंगे। तो अभी आज का छोटा प्रयोग करते हैं, शाम का जो हमारा समय नारियों के पहले उसमें भी हमारा और इसको फिर आप अपने ढंग से देखिएगा। मेरा यही कहना है, बाद में समझाऊंगे एक एक स्टेप्स कैसे फिर मिलते हैं किसी और उदाहरण से, आज के समय के हिसाब से कुछ नहीं करना। तो मस्ती भी करके बैठ जाएंगे। आंख धीरे से बंद करके आसन शुरू, सुखासन जिसमें आप सुख से बैठ सके, मेरे सीधा रखें, हाथ गोद में रखें, घुटनों पर रखें जहां आपको ठीक लगता भी इजी। आज सिर्फ मैं एक प्रयोग कराना चाहता हूं आपसे, गुरुदेव उसमें ध्यान में कहते हैं ध्यान मुद्रा, कमर सीधी, हाथ गोद में, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा। हमारी पढ़ने की मुद्रा होती है, हमारी खेलने की मुद्रा होती है, हमारी दौड़ने की ध्यान की मुद्रा होती है। उसके स्टेप्स आपने आसन से सही कर ली थी। अब अपने भीतर को आप देखिए, पूछिए अपने आप से क्यों बैठे हो, तो हम उस डिवाइन से जुड़ने के लिए बैठे। कहाँ है वो डिवाइन? और आपके संकल्प में ये बल है कि वो कहीं पर भी घनीभूत हो सकता है, उसकी डेंसिटी बढ़ सकती है। विश्वास करिए इस पर, जो भगवान को बुलाया रावण के क्रम में, तो शंकर जी ने एक बात कही, प्रभु व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रकट होई मैं जानता हूं। उस
सब जगह हैं, लेकिन प्रेम से श्रद्धा के भाव से वो प्रकट होते हैं। ठीक है, अब ये कहिए, अपने इष्ट का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, और ये मानिए कि सूरज उन्हीं की प्रेरणा से आया है और उनका संदेशा लेकर के आया है। सूरज एक दिशा से होगा है, लेकिन सारी दिशाएं प्रकाश से भरी। आंख बंद करके देखिए, और ये प्रकाश तो हमारी स्थूल आंख देख लेती है, लेकिन वो क्या है, इसके साथ और तमाम है कि हर व्यक्ति सूर्योदय के साथ हलचल मच जाती है। मतलब इसमें हमारी चेतना को छूने वाला भी कोई प्रकाश है, कि हमारी आंख के रेटिना को भाषित होने वाला तो प्रकाश है ही, लेकिन इसके स्पर्श से बिल के अंदर बैठी हुई चिड़िया से लेकर के घोंसले में बैठी चिड़िया तक एक्टिव क्यों हो जाती है। तो इसको हमारी चेतना को स्पर्श करने वाला भी कोई प्रकाश इसके साथ है। अच्छा, उस प्रकाश को, क्योंकि ये हमारे इष्ट हमारे गुरु के द्वारा रेंज है, इसलिए हम उसको बुलाते हैं कि इस चेतना को जरा ज्यादा देंगे। हमने आंख से प्रकाश खूब देखा है, लेकिन हमने अपनी चेतना के स्पर्श वाले प्रकाश को अनुभव नहीं किया। प्लीज सेंड इट। अभी आवाहयामी का भाव करिए, और वो आपको चारों तरफ से घेर रहा है, जैसे आपके चारों तरफ प्रकाश है। सूर्य भले एक तरफ से हुआ हो, उसके चारों तरफ प्रकाश है, ऐसी वो चेतना, ये चेतना पिता का मार्गदर्शन और माँ की ममता लेके आया है। बेटा अगर माँ के लिए खाली होकर के आ जाए तो माँ तो उठा के गोद में ले लेती है। तो इस दिव्य प्रकाश में उस चेतना ने हमको गोद में ले लिया भाव। ये प्रकाश के साथ उस दिव्य चेतना का प्रवाह आ रहा है, आपको लपेट रहा है। हम ओम बोलेंगे, आप बोलेंगे नहीं, उस ओम की कंपनों को अपने अंदर, उस वाइब्रेशंस को अपने अंदर एक्टिव होता हुआ देखें। होता ही सुनाई देता है अपने सेंसेस को करके, और ये कहिए कि इसके साथ ये बोध कराने के लिए है ये ओंकार। जैसे ओम की लहरें आ रही हैं आपके पास, स्वर्ग कंपन आ रहे हैं, ऐसे चेतना का प्रवाह भी आ रहा है, और आप चारों तरफ से उसे लपेट लिए गए माँ की गोद में जैसे बैठता है। आप उसे मन ही मन मुद्रित करेंगे। तो गहरी श्वास खींचिए,
पास निकालिए और इतनी निकालिए जितनी आप निकाल सकें, ये भाव करिए कि उससे हम खाली हो रहे हैं। नाक से निकालिए, नाक से निकलने के बाद मुंह से भी निकालिए, श्वास बाहर जा रही, हम खाली हो रहे हैं। हमारे अंदर क्या क्या हो रहा है, श्वास विश्वास चालू रखें, सहज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डीप ब्रीदिंग, आपकी गहन श्वास विश्वास की स्वाभाविक गति, उसको आप खींचिए, सीधा होता है बन जाता और फिर आप निकाल देते हैं। आपके पेट में जो कामनाएं हैं उनको बाहर कर देते हैं। आपका गुरु है ना आपके सामने, कोई चिंता नहीं, खराब अच्छी बुरी सब करेंगे। आप देखना है जो खराब हो उनको हटा देना, जो अच्छी हो उसको बनाए रखना। अभी तो आप संभाल दो, हम आपके लिए खाली होना चाहिए। फिर इसी श्वास को मस्तिष्क की तरफ ले जाइए, वो जो काट जा रहा है और सारे विचार को आप सामने रख दीजिए। यह आपकी कामना और विचारणा को खाली कर दीजिए। श्वास अपने आप में तो बाहर जा ही रही है, आप खाली हो रहे हैं। इसके लिए अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए, जो परम समर्थ है और परम हितैषी भी है, वो हमारा हित चाहता भी और कर भी सकता है, इसलिए उसके हाथों में अपने को सौंप देने में कोई दिक्कत नहीं। दिव्य प्राण आपके श्वास से जा रहा है, अभी आप खाली हो गए। अब आप जब श्वास खींचते हैं तो दिव्य प्राण आपका इष्ट आपका गुरु प्राण रूप में आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, वो खाली स्थान पर पहुंच गया। ऐसा भाव श्वास फेफड़ों में जाती है लेकिन रक्त के साथ मिलकर के शरीर के हर कोश तक पहुंचती है। पिछली चीज तो एवरी सेल, एवरी सेल हैज गॉट ए रेस्पिरेटरी सिस्टम इट्स ओन। इसी तरह से चेतना का आदान प्रदान हमारे हर कोश की क्षमता है, प्रेम की अनुभूति करना हमारे हर कोश की मांग है। तो हमारे संकल्प के साथ, हमारे प्राण के साथ मिल करके इष्ट का प्रेम, गुरु की कृपा, ये सब अंदर जा रहे हैं। अब इसी क्रिया को गति देने के लिए आप अपने इष्ट मंत्र का जप शुरू करें। अभी श्वास है, श्वास को स्वाभाविक हो जाने में वो तो जल्दी ही रहेगी। अब इसी क्रिया को और गति देने के लिए इष्ट मंत्र का प्रयोग करें। इष्ट मंत्र हमारे इष्ट से जुड़ा हुआ है, इष्ट का प्रवाह हमारे चारों तरफ है। इष्ट मंत्र अंदर हमारे अंदर वो कंपन पैदा करेगा कि वी विल बी एबल टू रेजोनेट विद हिम, हमारा उसके साथ संगति करने बैठ जाएगा और मंत्रोच्चार को पूरे शरीर में गूंजता हुआ अनुभव करिए। जैसे जब हमने ओम बोला था तो ओम के गुंजारा अपने नाम बोलते हुए अपने शरीर में अनुभव किए थे, ऐसे अपने मानसिक जप को के कंपनों को शरीर के हर क्षेत्र में जाते हुए अनुभव करिए। ये मंत्र जप इष्ट के प्रवेश के लिए मार्ग साफ कर रहा है, हर कोश में एक दिव्य स्पंदन पैदा हो रहा है विच इज कंपेटेबल विथ डिवाइन, ये उसे सहज रेजोनेट करता है। श्वास सहज बीच बीच में गहरी लीजिए, भाव वही रखिए, श्वास से भी वही जा रहा है और जप के माध्यम से भी उसी से संपर्क बन रहा है, हमारे चारों तरफ भी वही, अंदर भी वही। भाव करते रहिए, ये कार्य
माया आपकी दी हुई है, ये मन बुद्धि अंतःकरण आपका दिया हुआ है, इसको आपके अनुशासन में चलने की क्षमता चाहिए, प्रवृत्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, दे दीजिए आप। चारों ओर दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रवाह, उसमें हम जल में मछली, आकाश में पक्षी की तरह स्थापित। वही दिव्यता हमारे अंदर स्थापित हो रही, हम भी ज्योतिपूर्ण प्रकाश के दिव्य सरोवर में, हम भी एक ज्योति। चालू रखते हैं उसी का आनंद। गुरुदेव के पास आप गए हो, उनकी निकटता की अनुभूति की हो, तो वही अनुभूतियाँ आप अभी हो रही है। माता जी के पास पीछे हो, उसकी अनुभूति अभी हो रही है। किसी निर्विकार प्रेम की अनुभूति कहीं भी आपको, उससे भी श्रेष्ठ अनुभूति लेकर के ही हमारा दिव्य प्रवाह आया। सहज उसके साथ जुड़े ही हैं, बीच में जो विकार आ गए थे उनको हमने एक छोटी सी क्रिया से बाहर कर दिया, हम फिर उसके साथ जुड़े और अब हम जुड़े रहेंगे। गहरी श्वास लीजिए, भगवान से कहिए हमने अपना पूरा समर्पित कर दिया था, लेकिन आपकी सौंपे हुए बहुत सी ड्यूटीज हमारे साथ हैं, बहुत से उत्तरदायित्व हैं, उनको पूरा करने के लिए अब ये हमारा व्यक्तित्व हमें फिर सौंप दीजिए। आपने इसमें बहुत अच्छा सुधार कर दिया, डॉक्टर करेक्शन साहब की मेट इतनी कृपा करना कि ये संबंध अब बना रहे, नहीं तो विकार फिर हानि हो जाएगा। हम आपके हैं और आपके रहना चाहते हैं, तो हमारे चिंतन चरित्र व्यवहार से हम आपके दिखते रहे, ऐसा भाव हमारे अंदर कर दीजिए। गहरी श्वास लीजिए, काया का बोध फिर से सही एहसास, अब हम ओम बोलेंगे और आप भी साथ में बोलेंगे। कभी समर्पण के भाव से था तो आपने बोला नहीं, सिर्फ उसको समर्पित किया, अब उसका प्रसाद ले रहे हैं। अब हमारा व्यक्तित्व हमारे इष्ट का, हमारे गुरु का प्रसाद बनकर के आ रहा है। अभी तो ये क्या था, अभी हमारा भोग था, हमारा है, हमारा उसे हम भोग रहे थे, अभी प्रसाद बन के आया, योग के बाद प्रसाद बन जाता है, इसको उसी क्रम से चलाए। मेरे विश्वास में हमारे साथ सब लोग भोग का उच्चारण करें। नाद ब्रह्म ही से कहा गया, इसके साथ अंदर बाहर
कोश कोश में जा रहा है और यहाँ से लेकर के प्रकृति में फैलता हुआ सूर्यमंडल तक भी जा रहा है। तो हमारी चेतना की गति इस ओम के साथ सत्र बढ़ सकती है। पुनः बोलेंगे ईश्वर श्री हरि। निष्प्राण व्यक्ति गति नहीं पाता।
अन्नमय के साथ प्राणमय को गतिशील करते हैं। प्राण में दोनों ही बातों का प्रवेश करना पड़ता है, पवित्रता और प्रखरता। पवित्रता और प्रखरता दोनों चाहिए प्राण। आप अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को भी प्राणवान पाएंगे, कोई भी रिस्क उठा ले, कहीं भी जूझ जाते हैं प्राणवान, लेकिन पवित्रता नहीं। इसलिए उनके प्राण का समाज के लिए वो उपयोग नहीं हो पाता जो उसको समाज प्रेम से स्वीकार करे। और कई आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जिनके अंदर पवित्रता तो है लेकिन प्रखरता बिल्कुल नहीं है, बड़े भले आदमी हैं लेकिन कुछ नहीं। प्राण में पवित्रता और प्रखरता दोनों ही चाहिए। ऋषि दृष्टि देखिए, गुरुदेव ने कहा मेरे प्रतीक के रूप में मेरी मूर्ति मत बिठाना। मैं व्यक्ति रूप में रहा ही नहीं हूं और तुम मेरी पर्य व्यक्ति रूप में कराओगे तो मेरे साथ न्याय नहीं होगा, तुम्हारे साथ भी न्याय नहीं होगा। मैं एक मिशन के रूप में रहा हूं, एक प्रवृत्ति के रूप में रहा हूं, वही मेरे प्रतीक बनाना। तो कौन से प्रतीक स्थापित करवाए हैं? सजल श्रद्धा प्रखर प्रतीक, सजल श्रद्धा पवित्रता की द्योतक है, प्रखर प्रज्ञा प्रखरता की द्योतक है। और अपने चरण स्थापित करवा दिए। ध्यान रखना, किसी भी महापुरुष को देखोगे, उनके सीधे व्यक्तित्व को देखोगे तो आप उसको नमन तो करोगे, अनुकरण करने की हिम्मत नहीं आएगी। अरे ये कहाँ हम कहाँ। या तो चमत्कृत हो जाओगे या तो अभी यही सब कुछ करने निर्भर होने की कोशिश करो। ये चरण देखो, महाजनो ये न गता सब पंथा। महापुरुष जिस रास्ते से आगे बढ़े हैं वही तुम्हारा रास्ता है, वो जहां बैठे हैं वो तुम्हारा रास्ता नहीं है। ये न गता, जिन स्टेप्स पे चढ़ करके गए वो देखो। चरण उसी के प्रतीक है, द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ योर प्रोग्रेस। तो गुरुदेव ने हमें चरण स्थापित करवाए, मुझे मत देखना मेरे चरण देख। एक और निवेदन करता हूं, प्रभु के साथ उनकी माया चलती है, क्योंकि इतना बड़ा काम करना है। माया माने कौशल, और उसका कौशल ये है कि कुछ नहीं है वो सब कुछ बोझ करा देता है। क्यों सर, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ी साइंटिफिक आई अपनी खोलें तो पदार्थ अभी समाप्त हो जाएगा। हर पदार्थ का मूल घटक क्या है? एटम। एटम में क्या है? न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं, बस सब खत्म हो गया। चाहिए बिल्डिंग, चाहिए हवा, चाहे हम, चाहिए हर जगह एक ही है कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, कुछ है ही नहीं। लेकिन इसमें इतने रूप, इतने रस, इतने स्वाद, इतने स्वर, जाने क्या क्या पैदा कर दो, कमाल है इसका कौशल। ये है माया उसकी करता है। माया का हमें कौन सा स्तर चाहिए कौन सा ये नहीं, ये भी वही तय करते हैं, वो भी स्टेप्स से जुड़ा है।
नहीं तो आप उनकी माया देख के चमत्कृत हो जाओ। हमने देखा तो परेशान हो गए। माता जी की बड़ी बहन के बेटे उन्होंने सत्य भैया कहते हैं सत्य प्रकाश बैंक के ऑफिसर बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी देख के नजर लग गया। उनके पिताजी नहीं रहे थे, गुरुदेव का प्यार तो हम सबको मिलता है, जो मिला होगा तो मौसा जी के बहुत मुरीद लेकिन बड़े क्रिटिक बड़े जो गुरुदेव का काम चला तो बुला ले जीती हरि को अपने काम सत्य को बुलाकर सत्य प्रकाश के लिए काम दे दिया। अब ये जो चला तो वो एक दिन कहने लगे वहाँ पर भाषा में उसे आपस में यूँ ही बोलते थे ये तमाशा ये तमाशा बना रखो आप ये क्या तमाशा कर रखा जो क्या तमाशा बना रखो जो गुरुदेव को यहाँ पसंद जो क्या तमाशा। तो गुरुदेव जवाब देते हैं देख तो उसे हमने जो गई थी वो समझ में आएगी तेरे आई हैव टोल्ड यू यू आर कन्विंस्ड दैट वो तुम्हें मिली होना तो बस तुम इतना करो मेरी तो आदत रही है तमाशे करने की मैं तमाशे करता रहूंगा माया है लीला है वो तो करेंगे जहां जैसी आवश्यकता ऐसा करें। उनको देखोगे तरह तरह की लीला देख करके परेशान हो जाओ। जो स्टेप्स तुम्हें बता दिए ये तुम्हारा स्टेप गो एट वहां कोई कंफ्यूजन माया के चक्कर में कहा है उसी तरह की ने माया बड़ी पकड़ती है और वही क्लेश पैदा करती है वही दुख पैदा करती है वही कष्ट पैदा करती है और सब जगह माया है तो दुख कष्ट भी सब जगह है। लेकिन एक उदाहरण देते हैं सुखी मीन जहां नीर अगाधा जिम हरि चरण न एक हो पाया। मछली जहां अगाध पानी है वहां उसको कोई दिक्कत नहीं है, कम पानी होता है वो होता होता तो उसे दिक्कत होती जाल भी जालता ये भी करता अगाध पानी में मछली मस्त है। ऐसे ही प्रभु के चरणों में रहोगे तो कोई बाधा नहीं रहेगी। जिन्हें हरि चरण में एक हुआ है वहां भी चरण माने दी स्टेप्स डिसाइड फॉर यू। हम पैर पूजने लगते हैं और पैर पूछे वही एक स्टॉक उनका मतलब है तुम्हारे लिए चरण जो मैं बता रहा हूं दी स्टेप्स यहां चलना है बहुत बढ़िया इसको कर लो वो खूब आनंद है। उनने कहा मैंने किया गुरुदेव के मैं जिंदगी भर इसी आनंद में डूबा रहा। मेरे गुरु ने कहा मैंने परत के नहीं देगा और किसको क्या बता रहे मुझे बताया सो मैं कर रहा हूं और वो प्रसन्न हो रहा और मैं प्रेरित कर रहा हूं। तो मैंने कहा प्राण के साथ प्रखरता और पवित्रता दोनों का संचार जरूरी है और ये दोनों उनके चरणों में मिले हैं देव हरि चरण में। मतलब फिर वही मैं कह रहा हूं कुछ चापलूसी नहीं है उनको शासन करो ये करवा जाता है। ये सही श्रद्धा वही है जो उनके बताए हुए निर्देशों को अपना सब कुछ मान गो मां है चरण। नहीं तो हमने कहा क्या देखा उसकी बात तो मैं कह रहा था प्राणायाम के क्रम में इसको एक क्रिया शारीरिक क्रिया का स्वरूप है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आसनों को भी जनजीवन में ला लिया। सत्यानंद जी मठा शिवानंद जी भारत में लिया तो विदेश गया विदेश योगा के रूप में गया चल गया आ गया आवश्यकता थी उधर लोग का ध्यान आ गया। रामदेव जी ने प्राणायाम को जनजीवन में ला दिया अच्छी बात है। लेकिन वो आसन काया से आगे बढ़े ये प्राणायाम हमारे रोगों से आगे बढ़े आध्यात्मिकता की तरफ चले वहां यही बात है आपको समझना पड़ेगा। इन आसनों का जरूर अभ्यास करिए आपको छोटे छोटे वो भी कराएंगे यहाँ आपको करते हो और प्राणायाम के संबंध में समझिए। आयाम माने वर्ड इन इंग्लिश ऑफ आयाम एक्सरसाइज डायमेंशन डायमेंशन थ्री डायमेंशनल वर्ड थ्री आयामी सृष्टि इसको आयाम के रूप में देखिए इस फोर्थ डायमेंशन कनेक्टेड विद एवरीबॉडी
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या गहराई सबके बराबर है, लेकिन प्राण सबका अलग है। इट्स फोर डायमेंशन। गुरुदेव कहते थे वो 96 कौन मिला गांधी, इतना प्राणवान, इतना प्राणवान कि अंग्रेज बहादुर को हिलाया मारता है। चर्चिल ने वायसराय को कहा था गांधी से डायरेक्ट इंटरव्यू मत देना, बहुत खतरनाक आदमी, जो कहेगा तुम वहां करने लगोगे। चिट्ठी पत्री करना, माध्यमों से बात करना, प्रतिनिधि भेजना, डायरेक्ट सामने मत करना। उसका प्राण इतना जबरदस्त है कि वो तुम्हारी तरफ एक दफे आंख उठा के देख देगा, फिर तुम उसकी बात मानना पड़ेगी। प्राण का आया, अपने प्राण के आयाम को विकसित ही करना है शुद्ध व्यक्ति। और ये प्राणायाम में मंत्र आप बोलते हैं, ओम भू ओम भुवः ओम स्वाहा ओम मह ओम जना ओम तपः ओम सत्यम, सातों लोकों का प्राण है, उसकी अपनी अपनी क्वालिटीज है, लेकिन वो सब आपके आसपास भी है। एवरी रेडियो ट्रांसमिशन, एवरी टीवी ट्रांसमिशन इज अराउंड यू, इज इट? यस। यू हैव टू एक्टिवेट योर रिसीवर एंड यू हैव इट। कहीं जाना नहीं उसके लिए, एक्टिवेट योर रिसीवर, ये साधना है। श्री गुरुदेव कहते थे उपासना परमात्मा की, साधना अपनी। आपको अपने अंदर के सर्किट को एक्टिवेट करना है, नहीं तो वो क्या है जितने ट्रांसमिशन करता रहे। वेन द सर्विस सर्किट इज स्विच ऑफ और इट्स नॉट अप टू द मार्क, होना क्या? फिर वहां ट्रांसमिशन भेज दो, पूरी थोड़ी सी और कृपा करो भगवान तेरे लिए, ना कोई कृपा है ना कोई तेरे दिया है, क्योंकि तेरा अपना रिसीविंग सेट ही खराब है।